हेलो गाइज वेलकम बैक टू आर चैनल होप यू ऑल आर डूइंग वेल इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम दैट वी हैवन मेक एनी वीडियो हमारे एग्जाम्स चल रहे थे आर एग्ज़ाम्स वर गोइंग ऑन सो आर टीम वर बिजी एंड दे ड मेक एनी वीडियो सो टुडे वी कम विद अ न्यू वीडियो फॉर टारगेट बैच फॉर सी यू टी बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे चुके हैं इस बार उनको आइडिया हो गया होगा कि उनका एग्ज़ाम में इस बार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा एंड बहुत जल्दी आपकी कटअप्स भी आ जाएंगे अगर आपका हो जाता है तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड अगर आपका इस बार सी यू टी क्लियर नहीं होता है डोंट बी डिसअपॉइंट आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं आप जा सकते हैं उसके साथ अगर आपको वही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है फिर से देन गो थ्रू टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर बैच बिकॉज if you want to clear your or if you want to टेक एडमिशन इन योर ड्रीम यूनिवर्सिटी यू शुड प्रिपेयर फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी फ़ो आज के इस वीडियो में बेसिकली बात करेंगे टारगेट बैच सी यू टी टू थाउजेंड ट्वेंटी फ़ोर के लिए आप किस तरीके से प्रिपेयर अभी सी ख़ुद को करें कि आप अपना बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स ला सकें और उसके साथ साथ आप सी यू टी में भी अच्छे मार्क्स से आप अच्छी यूनिवर्सिटी जो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आप है प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है आप वहाँ एडमिशन ले सकें तो बेसिकली आज के प्रेजेंटेशन में हमने चार पांच चीज़ों पे बात की है जो बच्चे अभी ट्वेल्थ दे रहे हैं उन्हें कोई आइडिया नहीं है जो भी स्टूडेंट्स अभी ट्वेल्थ दे रहे हैं उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि सी है क्या तो आज के, के इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले कि आपके ट्वेल्थ देने के बाद आपके पास क्या -के क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कौन कौन से ग्रेजुएशन कोर्सेज हो सकते हैं जो आप कर सकेंगे और अच्छी यूनिवर्सिटी से कर सकें कि आपको वहाँ से निकलने के बाद एक आपके पास प्लेसमेंट हो उसके बारे में हम बात करेंगे उसके बाद हम बात करते हैं सी यू टी के बारे में ये है क्या किस तरीके से ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है ये बेसिकली एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस क्या होगा एंड किस तरीके से हमको टू थाउजेंड ट्वेंटी फ़ोर के लिए प्रिपेयर करना चाहिए सी ई टी के लिए एंड उसके साथ साथ हम बोर्ड को किस तरीके से मैनेज करें कि हमारा बोर्ड्स में भी सेवेंटी टू एटी परसेंट और एटी टू नाइन्टी परसेंट इवन आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके आ सके बोर्ड में भी और सी यू ई टी में भी क्योंकि सी यू टी एंड बोर्ड डिफरेंट नहीं है वी विल डिस्कस इट हाउ कि ये डिफरेंट नहीं है किस तरीके से आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं दोनों के साथ साथ सो so, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यहाँ पर आपको सी यू टी से रिलेटेड और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ उसके कोर्सेज और उसकी इंफॉर्मेशन मेनली जे एन यू की क्योंकि आई एम ऑल्सो द स्टूडेंट ऑफ जे एन यू सो so, आपको हेल्प मिलेगी हमारा टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं एंड होप वी विल बी टुगेदर टिल योर नेक्स्ट एग्जाम सी ई टी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर सो दीज आर द बेसिक कोर्स आफ्टर ट्वेल्व दैट यू कैन गो थ्रू दिस एंड देर ऑल्सो लॉट्स ऑफ कोर्सेज सम स्टूडेंटो डू डिप्लोमा कोर्सेज एडवांस कोर्सेज बट दीज़ आर द बेसिक कोर्सेज बी ए बी एस सी बी कॉम बी बी ए बी फार्मा बी एम एस एंड ऑल दर्सेज एट बैचलर लेवल लाइक योर ग्रेजुएशन लेवल आफ्टर ट्वेल्थ यू विल टेक एडमिशन इन ग्रेजुएशन इन एनी यूनिवर्सिटी यू कैन टेक एडमिशन इन दीज कोर्सेज और अपार्ट फ्राम दीज कोर्सेज इस कोर्सेज में ही और आपको अगर दूसरे कोर्सेज में लेना एडमिशन तो आप ले सकते हैं लेकिन आप ग्रेजुएशन अगर कर रहे हैं अपार्ट फ्राम एडवांस और डिप्लोमा तो आपको उसको उसके लिए सी यू टी आपको एग्जाम देना होगा अगर आप कोई भी बैचलर कोर्सेज कर रहे हैं तो आपको सी ई टी के थ्रू एडमिशन होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी सी यू टी का फुल फॉर्म क्या है सी ई टी का फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रांस टेस्ट सो कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रांस टेस्ट इसके नाम से ही पता चलता है कि एक कॉमन टेस्ट होगी बेसिकली अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं लाइक एग्जाम्पल आप यहाँ पर जे एन यू ए एम यू और मे बी बी एच यू और जामिया में आप एडमिशन लेना चाहते हैं ये चार यूनिवर्सिटी में आपकी ख़्वाहिश है कि आपको एडमिशन चाहिए उसके लिए आपको एक ही फॉर्म फिल करना होगा जहाँ पे आप चारों यूनिवर्सिटीज़ का नाम मेंशन करेंगे और आपको देखना होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से सब्जेक्ट रिक्वायर हैं आपको आप वो सब्जेक्ट चूज़ कर लेंगे और जो जो यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो आप वो वो यूनिवर्सिटी चूज़ कर लेंगे लेकिन आपका फॉर्म एक ही भराएगा पहले सी यू टी का क्योंकि सी यू टी पे अभी सी यू टी में मोर देन वन हंड्रेड यूनिवर्सिटीज़ आर रजिस्टर्ड अभी सी यू टी में हंड्रेड प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज रजिस्टर्ड है तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है बी ए लेवल पर यानी ग्रेजुएशन के लिए आपको सी यू टी फॉर्म फिल करना होगा अब हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न क्या है दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं यू शुड सी व्हाट्स द एग्जाम पैटर्न तो हम एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे हमारे बेसिकली सी में तीन सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होते हैं फर्स्ट लैंग्वेज की सेकेंड डोमेन सब्जेक्ट की एंड थर्ड जनरल टेस्ट की ये भी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ एंड कोर्सेज़ की कोर्स पे आपकी अगर आप जैसे कि जे में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ वहाँ पर इंग्लिश टेस्ट देना होता है और एक जनरल टेस्ट देना होता है अगर आप जैसे कि डी यू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको लैंग्वेज uh, भी एग्जाम देना होगा और डोमेन सब्जेक्ट भी देना होगा आइए हम बात करते हैं कि लैंग्वेज सब्जेक्ट क्या है डोमेन सब्जेक्ट क्या है एंड जनरल टेस्ट क्या है बेसिकली लैंग्वेज में आपको थर्टीन लैंग्वेज होता है बट आपको इंग्लिश बेसिकली कंपलसरी होता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे आपको इंग्लिश टेस्ट देने होते हैं जो कि आपका इंग्लिश टेस्ट मेन होगा किसी यूनिवर्सिटी में बट मे बी इन अदर यूनिवर्सिटीज़ आपको दूसरे लैंग्वेज अगर लेने से हिंदी तो आपको हिंदी चूज़ करनी होगी तो लेकिन आपको देखना होगा पहले कौन सी यूनिवर्सिटीज़ युणु, यूनिवर्सिटीज़ में क्या डिमांड है क्या आस क्या पूछ रहे हैं वो जैसे कि डोमन सब्जेक्ट की बात करते हैं हम डोमन सब्जेक्ट जैसे कि कोई स्टूडेंट बी के हैं तो वो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ तो ज़रूर पढ़ेंगे वो मे बी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो उनका डोमेन सब्जेक्ट क्या होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जब वो फॉर्म फिल करेंगे तो अपना डोमेन सब्जेक्ट में वो लिखेंगे फिजिक्स वो चूज़ करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जैसे कोई स्टूडेंट बी कॉम करना चाह रहा है तो वो चूज़ करेगा अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स तो उसके अकॉर्डिंग अपने कोर्सेस के अकॉर्डिंग आपको डोमेन सब्जेक्ट चूज करना जो आपने ट्वेल्थ में किया है द, अब बात करते हैं जनरल टेस्ट की जनरल टेस्ट बेसिकली आपको चार पार्ट में डिवाइड होता है जिसमें एप्टीट्यूड होगा आपका रीजनिंग होगा जनरल नॉलेज होगा और आपका एक बेसिक मैथ्स होगा जो कि आपने स्टार्टिंग में किया है यानी कि एट नाइन्थ टें और बेसिक मैथ्स बेसिकली तो ये आपका जनरल टेस्ट होगा तो ये आपको यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग देखनी होगी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में किस कोर्स में क्या डिमांड है तो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना होगा बाकी ये आपको दिया गया है कि चालीस पचास में से चालीस क्वेश्चन बनाने हैं पचास में से फोटी फाइव क्वेश्चन बनाने हैं सत्तर में से पचास क्वेश्चन बनाने हैं जी टी में और टाइमिंग मैंशन है यहाँ पर कि आपको इंग्लिश टेस्ट के लिए फोटी मार्क्स सॉरी फोटी मिनट्स मिलते हैं डोमन सब्जेक्ट्स के लिए फोर्टी फाइव और जनरल टेस्ट के लिए सिक्सटी मिनट्स मिलते हैं और आपका एग्ज़ाम्स में भी जनरल टेस्ट इंग्लिश का एक ही दिन हो जाए लेकिन समटाइम्स स्लॉट्स अलग हो जाते हैं इंग्लिश के एग्ज़ाम अलग टाइम पे डोमन सब्जेक्ट्स के अलग टाइम पे सेंटर्स आपके में भी एक ही हो सकते हैं अलग हो सकते हैं लेकिन फॉर्म एक ही फिल होता है अब हम बात करेंगे हम किस तरीके से प्रिपेयर करें द मेन थिंग हाउ टू प्रिपेयर अभी आपके पास आई थिंक आपका एग्ज़ाम जून में अगर होता है मई एंड जून में फिर भी आपके पास एटलीस्ट टेन टू अलेवन मंथ आप रख सकते हैं अगर आप दो मंथ हटा भी देते हैं रिवीजन करने के लिए और मॉक टेस्ट के लिए तो आपके पास नाइन मंथ्स हैं नाइन्थ मंथ्स में आप फर्स्ट ऑफ ऑल पहले राइट प्रिपरेशन टाइम आपको प्रिपरेशन टाइम सही चुनना होगा देन स्ट्रेटीज फॉली फॉलो करनी होगी फिर सीटी बुक्स मैं रिकमेंड करूँगी कुछ आप उसके थ्रू जा सकते हैं देन आपको अपने परफॉर्मेंस को देखना होगा आप किस में स्ट्रॉन्ग हैं एंड किस में वीक है अगर कुछ चीज़ें आपको आती हैं तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना लेकिन किस जो नहीं आती जो नहीं आती है उस पर आपको वक्त देना होगा अपना एंड लास्टली टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से आप कौन से मेथड को फॉलो फॉलो करें कि आपका टाइम मैनेजमेंट सही से हो ना हाउ टू प्रिपेयर अलॉन्ग विथ ट्वेल्थ एग्जाम बेसिकली आप डोमेन सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हैं अभी तो डोमेन सब्जेक्ट पर अच्छे से फोकस करें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स बी कॉम स्टूडेंट एंड ऑल्सो एक चैप्टर अगर आप रीजनिंग का कर लेते हैं हर वीक में पढ़ लेते और प्रैक्टिस कर लेते हैं इज इनफ और मेनली फोकस ऑन इंग्लिश वो कैप्स एंड लाइक कंप्रीहेंशन ग्रामर if you will uh if you are focusing on these things for 12th exam that will be better for cut also and one thing you have to add is newspaper that's the most important thing just read newspaper for current affairs hope this video will be helpful for you and i will be there with your whole journey thank you for watching this video please like share and subscribe our channel